खार हीरा जन जहरी हंस होए हीरा ले पछानी जन जहरी हीरा रतन जवे हर मानिक हीरा रतन जवे हर मानिक बहु सागर भरपूर किया बहु सागर भरपूर किया जिस वड भाग हो वड मस्तक जिस वड भाग हो वड मस्तक तिन गुरमत कड कड लिया तिन गुरमत कड कड लिया रतन जवे हर लाल हर नामा रतन जवे हर लाल हर नामा गुर काड तली दिखलाया गुर काड तली दिखलाया किन्हीं बन जे आकाशी तंबा किन्हीं बन जे आकाशी तंबा किन्हीं लौंग सुपारी संतो बन जया नाम गोविंद का संतो बन जया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़ो हर हीरा जन जौहरी लेके मंडे हाट हीरा हाथ चढ़ो निर्मोलित हीरा हाथ चढ़ो निर्मोलित छूट गई संसारी हर हीरा जन जौहरी जौहरी नु हीरा कितों किवी मिलिया इस गल दा जिक्र बाबा कबीर जी दे पिछले श्लोक जेड़ा बाबा कबीर जी दे लड़ीवार प्रोग्राम विच आपां सरवण कीता बाबा कबीर जी ने आख्या मन गुना तो हरी तो गरीब भटक रहा सी जीवन भटकना बन चुकी सी गुरु नु तरस आया उन्हें रहमत कीती शब्द दी थूनी पाई थमी दित्ती जो मंदिर को थामे थम्मन त्यों गुर का शब्द मने इस थम्मन गुरु ने तबीर थूनी पाई थित भई सतगुरु बंदी धीर उन्ने पटकरे मन नु धीरज दिता ते आख्या आ मेरी उंगल फड़ मैं तेनु किसे ऐसे बाजार विच ऐसी मार्केट विच ले चलना जिथे तू गुना तो गरीब हरी तो गरीब नहीं रहेगा ते उस
मार्केट उस बाजार का नाम है साध संगत जिथे हरी मिलता है, जिथे हरी गुण रूप होके मिलता है। बाबा कबीर जी ने पिछले श्लोक विच आख्या सी, कबीर थोनी पाई थित भई सतगुर बंदी धीर, कबीर हीरा बन गया किथे मान सरोवर तीर, सात संगत दे नाल जोड़ दिता गुरु ने रहमत करके, ते ओथे आके मन हीरियां दा वणजारा बन गया। हुण बाबा कबीर जी दा अज दा श्लोक जरा नाल संबंधित करके पढ़िए। बाबा कबीर जी ने बख्शिश कीती, कहन लगे पढ़िया उस डोल रहे भटक रहे मन दा नाम ही बदल गया, हुण की बन गया हरजन, उसका नाम हरजन टिक गया। ते हरजन नाम किवें बनया, बाबा कबीर जी दे श्लोक की पहली लाइन विच इस गल दा विश्लेषण किया गया। कहन लगे उसका नाम हरजन किवें बनया, कहन लगे इस तरह बनया क्योंकि हर हीरा, अज दा श्लोक कबीर हर हीरा ते जन जौहरी, हीरिया नू परखन वाला जौहरी हुंदा। कहन लगे जेड़ा जन हीरिया नू परख रहा सी, रब्बी गुणा नू साध संगत विच परख के अपने लई स्टोर कर रहा सी, उसी जन जन जौहरी ते हरी सी हीरा। ते जदों हरी हीरा ते जन जौहरी दा आपसी संबंध जुड़ गया ते दोनों ना इकट्ठे हो गए, की बनया हर जन। कहन लगे हर हीरा जन जौहरी लेके मांडे हाट, उस जन जौहरी मन ने हीरे गुण रूपी हीरिया नू इकत्र कीता, ते दो चार दस ही नहीं एने गुण इकट्ठे कर ले, क्योंकि उन्हें वेख्या तेरे गुण बहुते, सर्व गुण निधानंग कीमत न ज्ञान ध्यानंग, हे प्रभु तेनू उच्चा ते वड्डा अमीर क्यों आखदे ने, क्योंकि तेरे को गुणा दा निरे गुणा दा ही खजाना, तू गुण रूप है, इसलिए जे तेरे को बहुते गुण ने ते ओना गुणा दी मैं भी शनाखत करके अपने जीवन दे अंदर स्टोर करना चाहना, क्योंकि मेरा जीवन भी तो एक हट्टी है। सतगुरु ने बाणी विच आख्या हान हट कर अरजा, ये अरजा ये जीवन मनुख दा एक हट्टी है, ये गल वखरी एक मनुख उन्दे विच कोई कौड़ियां दिती जांदा है उसे गल नू इकट्ठा करी जांदे, गुरु कहंदे ने नहीं, पर जेड़े जौहरी ने अपनी हट्टी ते कदे भी कुत्ते कौड़ियां नहीं इकट्ठियां करदे, जौहरी तो हमेशा अपने कोल हीरे लाल रतन द्वार ही इकत्र करदे ने। ते सतगुरु ने बाबा कबीर जी ने इत्थे इहो गल आखी, कहन लगे लेके मांडे हाट, कहन लगा हे मेरे मालिक मेरे जीवन दी हट्टी तेरे गुणा तो गुणा रूप हीरिया तो हुण तक सखनी सी, पर हुण मैनू साथ संगत विच्चों तेरे गुण रूप हीरे नसीब होए ने, ते मैं इन्हां नू स्टोर करके अपनी हट्टी भर लैणा, जीवन दी हट्टी भर लैणा चाहना। बाबा कबीर जी ने भी इहो गल आखी, कहन लगे जी हर हीरा जन जौहरी लेके मांडे हाट, हान हट कर अरजा सच नाम करवाथ
सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिस नू रख हीरिया नू रख। कहन लगे फिर ये नहीं कि निरा तजौरिया विच सांभ के रखे। कहन लगे ये भी याद रख वणजारिया स्यों वणज कर, जे कोई होर रब्बी गुणा दा वणजारा तेरे नेड़ बैठे सत्संगी होवे तो उन्दे नाल गुण सांझे करी। वणजारिया स्यों वणज कर, उन्हां नाल गुण सांझे करी फिर की होवेगा। सतगुरु ने बाणी विच आख्या, कहन लगे जे गुण होवन साजना, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय, सांझ करी जय गुणा केरी छोड़ अवगुण चली। जे तेरे कोल गुण हैं तो गुणा दी सांझ पैदा कर, गुण अग्गे भी दे। सतगुरु ने इसलिए आख्या गुणवंती गुण भी थरे, जिंदे कोल गुण ने ओ गुणा दा विस्तार करदा है, खिलार के बनदा है, उन्हूं उन्हां नूं शीशे दे शोकेस विच रखदा है, छुपा के नहीं रखदा। गुणा दा अग्गे वंडन नाल गुण कटदे नहीं बल्कि लाहा मिलदा है। गुरु ने भी इहो गल आखी, कहन लगे जे तू इस बर्तन विच हिरदे दे बर्तन विच गुणा नूं सांभ के रखेगा फिर की होवेगा। वणजारिया स्यों वणज कर, जेड़े इंदे वपारी तेरे जीवन दे नेड़े आउन उन्हां नाल गुण सांझे कर, तैनू लाहा मिलेगा। क्योंकि गुणा नूं सांझे करन नाल गुण घटदे नहीं गुण वधदे ने। सतगुरु ने भी आखिया वणजारिया स्यों वणज कर लै लाहा मन हस, फिर खुशियां मिलनगियां तू लाहा लै। कहन लगे इहो ही गल बाणी अंदर बाबा कबीर जी ने अज दे श्लोक विच आखी। कहन लगे हर हीरा जन जौहरी लेके मांडे हाट, ओ गुणा नू इकत्र गुणा रूप हीरिया नू रब रूप हीरिया नू इकत्र करके स्टोर करके अपने आरजा जीवन रूपी हट्टी नू भर लैंदा। लेके मांडे हाट ते फिर करदा की है, जब ही पाइए पारखू जे होर कोई परख करन वाला हीरिया दा बनजारा आ जाए, जे कोई आ जाए जब ही पाइए पारखू तब हीरन की साठ। साठ दा मतलब हुंदा है सौदा लैण देण। कहन लगे जदों कोई हीरिया दा व्यापारी तेरी हट्टी ते आवे ते ओनू भी हीरे देई, बस एहो है साध संगत जिथे हीरिया दा वंज हुंदा है। ते बाबा कबीर कहंदे ने उन्हां हीरियां दे वंज करन वाले फिर गरीब नहीं हुंदे, वो मुफलिस नहीं हुंदे, वो पटकना तो बाहर आ जांदे ने। बाबा कबीर जी ने एहो गल अज दे श्लोक विच फरमाई ते कहन लगे हर हीरा जन जौहरी, हर हीरा जन जौहरी लेके मांडे हाट, लेके मांडे हाट हर हीरा जन जौहरी। कबीर हर हीरा जब ही पाइए और खू, जब ही पाइए मार तब हीरे ने की साट, तब हीरे ने की साट हर ही हर हीरा हर हीरा।
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਲੜੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਪਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਹੀ ਸੌਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਵਪਾਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਓ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।